चाहिए खाना खाओगे? खाना चलो क्या खाना है? चौधरी। अच्छा ठीक है। Hey guys, good morning and welcome to a new vlog. तो अभी हम उठ चुके हैं and it's already 6:30 in the morning and हमें जल्दी जल्दी निकलना होगा। तो 3:30 बजे सुबह सुबह ये मोटी जो है ना अचानक से मेरे ये बेडरूम पे आ गया। मेरे को इतना डर लगा कि मम्मी उठ गया। इसके बाद दीदी बोली कि क्या हुआ, दीदी भी उठ गई, सब उठ गए। लग रहा है कि कोई भूत आ गया या क्या आ गया, सब उठ गए। अगर रेडी हो जाए जल्दी जल्दी निकलना है हमें। जो भी लाना दो लाना। मम्मी ये चाय पे, हाँ जो भी लाना चाल लाना ठीक है। क्या चल रहा है यहाँ पर? उधर पे कुमकुम भाग्य चल रहा है, पीछे में पूरा लाइन। ये औरतों का ये प्रॉब्लम है, जहाँ मिले वही सीरियल। भाई साहब दिमाग को इफेक्ट करते ना इनका सीरियल देख देख के। मैं रूम से तो बाहर आ गया था क्योंकि रूम में बहुत ही गर्मी हो रहा था। काश यहाँ पर एक और मेरे साथ होती, काश कोई लड़की मेरे साथ देती। आप लोगों को मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आठ रहे वो बहुत ही मस्त है। ओ भाई जल्दी जल्दी पेट भरो और इधर से निकलो। हम तो होटल में बहुत लेट होने वाले थे गुवाहाटी से 7:30 या फिर 8 को, अभी बज चुका है, इट्स ऑलमोस्ट 9 बज चुका है। तो बहुत लेट हो गया क्योंकि लेट सर्विस उन्होंने प्रोवाइड किया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो हमने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया था वो भी थोड़ा लेट हो गया था। तो जो अभी नहीं चलते रिसेप्शन में, बाकी का जो पेमेंट वगैरह खत्म करते और निकलते हैं फॉर द चेकिंग। एक्स्ट्रा बिल ना, तो चलो निकलते हैं हम। गए हम गुवाहाटी का धूप में, ड्राई धूप। और स्विफ्ट डिजायर हमें मिल चुका है, पर हेड का 500 रुपये मांग रहा है। चाहिए खाना खाओगे? खाना चलो क्या खाना है बता। चलो पूरी खाना है। छोटू क्या टाइटल? चौधरी। चौधरी अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है बाबा, हाँ खाना और इतना धूप में मत घूमना ठीक है। मैं इधर पे अपना कैब जो हम बुक कर रहे थे, एक बच्चा आया मेरे को बोला कि पैसा चाहिए, तो मैं पैसे तो मैं देने नहीं देता, मैं बोला कि खाना खाओगे क्या, बोला हाँ खाना खाएंगे, तो फिर मैं पूरी सब्जी उसको खिला दिया 20 रुपये का और अभी वो मजे से खा रहे हैं। हम यहाँ पर पल्टन बाजार में जस्ट इन फ्रंट ऑफ द रेलवे स्टेशन, लास्ट टाइम हम होटल रहे, होटल गीतांजलि, हाँ ये वाला होटल, बहुत साल पहले 2019 को आया था। तो मम्मी गाड़ी के अंदर है। हेलो, जो लेना था नहीं मिला। ऐसा जगह पे कि इस साइड पे जो है ये आसाम का पार्ट है, जो डिवाइडर के उस साइड पे ये मेघालय का पार्ट है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पर फोटो खींचने का मौका मिलता है, तो मस्त मैं बीच में जाके फोटो खींचता। सही है यार। अभी हम ऑलमोस्ट मेघालय में पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। तो मेघालय में जाने आने के बाद जो टेम्परेचर है वो पूरी तरह चेंज हो चुका है, ठंडा ठंडा हवा आ चुका है। वाह देख लो, कुछ खाना है तो खा लो, कुछ पीना है तो पी लो। तो मुझे तो खासी फूड खाने का, खासी डिश खाने का शौक है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद जादू में ढूंढ रहा था लेकिन मिला नहीं। तो दीदी के लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि दीदी को बहुत जगह पे एडजस्ट करना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, कर लो एडजस्ट, थोड़ा कर लो खाने पे, घूमने में तो नहीं होगा एडजस्ट। खाने का कॉम्प्रोमाइज शुरू हुआ यहीं से। मैं उधर पे खासी दावा देके मैं कितना खुश हुआ था लेकिन वहाँ पर जादू मिला ही नहीं। मेरा वेज थाली, मम्मियों का थाली दैट इज चिकन थाली और दीदी बस फ्राइड राइस। तो इधर देखो, इधर पे सब्जियाँ ही सब्जियाँ, तुम लोग मेरे सब्जियाँ मत लेना,
ठीक है। एकदम से पूरा हम शिलोंग के पास से आ चुके, हवा जो है ठंडा ठंडा हो गया, फील्स सो रिफ्रेश एंड रिफ्रेशिंग। तो ये जो बात मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ये मैं पहले बार भी आप लोगों को बताया था अपने लास्ट व्लॉग्स में। मेघालय में जो होता है यहाँ पर जो मालिक जो होता है वो हमेशा मतलब यहाँ के जो लेडीज मतलब लड़की औरतें ही होते हैं। अगर आप शादी करके भी आओ तो आपको औरत के घर में रहना पड़ेगा। मेन जो फैमिली का जो लीडर मेन रोल जो प्ले करते हैं वो औरत प्ले करते हैं। तो बाहर के जो लोग जो है यहाँ पर आके जमीन भी नहीं खरीद सकता। यहाँ के कोई लड़की जो है औरत जो है किसी और के साथ शादी करते है तो उसका जो शेड्यूल ट्राइब का जो फैसिलिटी जो है वो भी मतलब नहीं मिलेगा उसे। काइंड ऑफ थिंग अपने जो कल्चर को सेव करने के लिए प्रिजर्व करने के लिए ऐसा करते हैं। तो कोई बात नहीं, ठीक है। चुके हैं शिलोंग में। एक ही काम बाकी है कि होटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, क्योंकि अभी तो टूरिज्म का सीजन है, वेकेशन पीरियड भी है, जो दुर्गा पूजा वगैरह वो भी खत्म हो गया। पहले से बुक करके रखते हैं होटल्स वगैरह के लिए। तो हमें देखा था, मैंने नेट पे देखा तो ज़्यादा सुटेबल प्राइस मेरे को दिखा नहीं। में तो हम टैक्सी जो जिसके साथ हम आए थे उसको लेकर होटल ढूंढ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है फाइन वगैरह लगता है क्योंकि ये मेन सिटी है। तो यहाँ पर अगर रुकेगा तो फाइन दे देगा, इसलिए वो चले गए। वंस अगेन आफ्टर 9 मंथ्स आई एम एट पुलिस बाजार, दिस पीवी वन ऑफ द मोस्ट फेमस चौमनी ऑफ शिलोंग। लोगों को थोड़ा रुकने के लिए बोल दिया, अभी मैं होटल ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तो अभी होटल देखने के बाद ही डायरेक्ट वीडियो करता हूँ गाइस। अभी मैं होटल ढूंढने के लिए बस बाहर निकला ही था कि बारिश शुरू हो गया और छाता मैं मांग रहा हूँ, लेकिन बहुत ही हाई प्राइस का छाता बोल रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि 550 रुपये का छाता मिलेगा और कुछ बोल रहे हैं कि 350 रुपये का, लेकिन छोटा छोटा छाता है और उसका इतना हाई प्राइस तो नहीं दे सकता। ये लोग हमको छोड़ के चले गए, मैं और मम्मी बस यहाँ पर बैठे हुए हैं। आशुतोष इन होटल छोटा है अभी, बहुत ही मतलब लोग जो है बहुत ही लोग है यहाँ पर, टूरिस्ट बहुत है। तो फिर रूम ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर जो मिला हमने वही उठा लिया। चलो कैब में जज रहा हूँ कि नहीं पता नहीं, लेकिन रॉयल एनफील्ड लिखा था इसलिए मैं लेके आ गया। ये जो है कि मतलब अपने घर में रह रहे कि ऑनलाइन से कितना मतलब जो भी दिखे उसको मतलब ऑर्डर करती है। इधर में इतना सारा जो है बहुत ही कम दामों में मिल रहा है, जा रहा है जिस जगह पे उसका जो है वहाँ पर उसको मिल रहा है वही पर ही मतलब उसी को ड्रेस को लेना है। मैं उसका आगे छुपा छुपा के ऐसे मुँह का हैट को पकड़ पकड़ के लेके आ रहा हूँ। ये
बड़ा बाजार से हम यहाँ पर पहुंच गए। हमें टैक्सी, दो टैक्सी मिला था हमें, मतलब हिंदी भी थोड़ा सा वो नहीं हो रहा और इंग्लिश भी नहीं हो रहा कि ऐसा लोग हमें मिल रहे हैं, तो बात करने में हमें बहुत ही दिक्कत हो रहा है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पर आने का कोई भी पैसा वैसा नहीं लगता, लेकिन ये लोग टूरिस्ट का 50, नॉर्मल लोगों का बस 30। ब्लॉक होगा कि नहीं पता नहीं इसके बारे में, तो ये शिलोंग में जो है जल्दी जल्दी उनका जो दुकानें जो है वो बंद हो जाता है, तो खाना मिले या ना मिले इसका बहुत ही दिक्कत हो सकता है, इसलिए अभी हम जल्दी जल्दी जाएंगे। अगर आगे में कुछ होता है तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे, अगर नहीं तो ब्लॉग का जो है एंड हो जाएगा। ओके, thank you।